हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियोस। तो फ्रेंड, अभी मेरा प्लान बनना है बिनसर महादेव जाने का, जो आपका रिची में रानीखेत रिची के बीच में है। तो अब मैं अभी मैं बिनसर महादेव जाने वाला हूँ। मैं रेडी हो चुका हूँ, आप देख सकते हो, मैं रेडी हो चुका हूँ बिनसर महादेव के लिए। तो बस थोड़ी देर में हम निकलते होंगे, और होप आप बहुत इंजॉय करोगे। बिनसर महादेव बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत ही प्यारा मंदिर है, और ये जंगलों के बीच में है, और आपको बहुत मजा आएगा। और मैं आपको बिनसर महादेव दिखाऊंगा, और कैसे कैसे हम जा रहे हैं, कैसे कैसे जाइए हम दिखाएंगे। और हम रेडी हो रहे हैं, मेरा एक दोस्त मेरे साथ जा रहा है, उसका नाम है दीपक भी, जो मेरे दूसरी ट्रिप में भी मेरे साथ था। ये है दीपक भी, तो हम आगे चलेंगे, आपको बताएंगे कैसे कैसे हम जाएंगे बिनसर महादेव। फ्रेंड, हम जाने को रेडी हैं, हमारी कार आ चुकी है। ये हमारी कार, ये हमारे ड्राइवर साहब, नाम बताइए अपना। प्रशांत बेलवाल हमारा नाम है। ये वीडियो सीधे यूट्यूब में जाएगी। प्रशांत जी जी बिल्कुल, बेलवाल नाम है, पीछे दीपक जी बैठे हैं मेरे दोस्त दीपक हैं। हमारे, और अभी हम इससे ही बिनसर महादेव जाएंगे। इन्होंने गाड़ी बुक कराई हमारी, इन्होंने गाड़ी बुक कर रखी है। बड़ी गाड़ी कितने बुक हो रखी है? गाड़ी क्या ज्यादा नहीं, गाड़ी 400 रुपये में ये बुक हुई है, हमारी मर्सिडीज है, मात्र 100 रुपये। इससे अच्छी गाड़ी आपको यहाँ पहाड़, कहीं ये 100 रुपये मिलेगी में नहीं बुक पहाड़ हुई में। है, अब इसकी राइडिंग देखें कैसी राइडिंग होती है। 25 रुपये तो फ्रेंड, हम बहुत किलोमीटर। मजे करने वाले हैं, अभी आपको दिखाएंगे बिनसर महादेव कैसा है। आप मेरे हर की शादी ही किलोमीटर की दूरी पे बिनसर महादेव, और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हम यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और पीछे गाने भी चल रहा है, और गाड़ी हमारी फास्ट चल रही है। अरे कोई ना कर देंगे अंदर। ये देखिए हमारे भाई साहब छुप रहे हैं, और ये हमारे हैं ड्राइवर साहब। ये भी प्यारी गाड़ी चाहते हैं, पहाड़ी गाने बजाए आप। कुछ आप ले रहा है? अरे इसको तो दिखाओ, यूट्यूबर तो मैं हूँ। पहाड़ी गाने का आनंद लेते हुए पहाड़ में, और गाड़ी के अंदर ठंडी ठंडी हवा, बिनसर महादेव हम जा रहे हैं, बहुत इंजॉय हम करते हुए। थोड़ी दूरी पर बचा है बिनसर महादेव, भजन बिनसर महादेव पहुंचने वाले हैं। बिनसर महादेव के हम पहुंचने वाले हैं, और यहाँ का व्यू देख सकते हो, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। महादेव की जय। बस थोड़ी दूरी पर हम हैं, बहुत निकट आ चुके हैं बिनसर महादेव के। बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ पे का। बस हम पहुंचने वाले हैं गेट तक, हम पहुंच गए हैं। पहला गेट, ये बिनसर महादेव का पहला गेट देख सकते हो। जय बिनसर महादेव। यहाँ पर देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। बिनसर महादेव का मंदिर है, वहाँ पर मेन गेट है, और ये मेरे दो साथी हैं। ये आज मेरे साथ बिनसर महादेव आए हैं, एक साथी आ रहे हैं जो पीछे से आ रहे हैं, कार से उतर रहे हैं। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे घूमने आ रखे हैं मंदिर में। देखिए कितने बच्चे आ रखे हैं, सब बच्चे खेल रहे हैं। ये देखिए बिनसर महादेव का मेन गेट है। ये देखिए बिनसर महादेव को, देखो बच्चे आ रखे यहाँ पे, स्कूल का कैंप आ रखा है। स्वच्छता है, कितना प्यार से, कितना अच्छे से बनाया गया है मंदिर, देख सकते हो। अभी हम आपको अंदर जाके दिखेंगे क्या क्या है। पीछे से आप देख सकते हो मंदिर को। और दीपे, और यार ये हम बिनसर महादेव के अंदर मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। आप आइए आगे, अभी आप सबको अभी हम दिखाएंगे आपको मंदिर में क्या क्या है। यहाँ पे लेख, ये हाथ से बनाई गई लेख है, ये हाथ से लिखी, इसमें आकृति की गई है, हाथ से लिख रखा है ये पूरा। तो अब पूरी दीवार में लिखा है, आप देख सकते हो। और भगवान की आकृतियाँ देखिए, भगवान महादेव की आकृतियाँ, श्री कृष्ण की आकृतियाँ, बहुत ही अच्छे से मंदिर है। आकृति बनाई गई है, हाथ से बनाई गई है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। आज कल बहुत पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर है, जंगलों के बीच में। सबसे अच्छा तो यह कि मतलब वादियाँ ही इतनी प्यारी हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और एक भगवान क्या करते हैं, श्री कृष्ण और मैया जी है। देखिए सारी सारी
दीवारों में देखो ये हाथ से बनाई गया करते हैं, हाथ से लिखा गया है, ये संगमरमर के पत्थरों में हाथ से आकृति बनाई गई है। ये शंकर महादेव और हनुमान आकृति है मंदिर में, ये आकृति बनाई गई है, ये पूरे हाथ से, ये हाथ से बनाई हुई आकृति है और इसमें फिर ब्लैक पेंट किया गया है। ये देखिए, ये काली मैया का मंदिर है, काली मैया जिसको बहुत माना जाता है। और ये देखिए यहाँ पे भी आकृति बनाई है, देखो देखो कितना प्यारा प्यारा, मतलब ये बहुत पुराना मंदिर है और अभी ये यहाँ पे बनाया गया है, इसको मॉडिफाई किया गया है। देखिए देखिए कितना प्यारा, और पीछे का बैकग्राउंड, पीछे का बैकग्राउंड कितना प्यारा आ रहा है, पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हो। और पीछे देखिए श्री कृष्ण की आकृति है, और ये देखिए ये श्री कृष्ण की आकृति है, और पीछे ये जो मेरे दो तीन फ्रेंड आ रखे हैं, इनको फोटो फोटो खिंचा रहे हैं तब से, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं वीडियो में। ये देखिए फ्रेंड, नीचे धर्मशाला भी है और एक मंदिर यहाँ पे है। ये हमारे विष्णु भगवान और उनका मंदिर है, बनाया गया है। देखिए यहाँ पे गणेश भगवान भी हैं, और ये हाथ में देखिए श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर का निर्माण श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री ख्याली राम भगत भक्त एम कंपनी ने लाजपत नगर नई दिल्ली लाजपत नगर से ये इनने बनाया है। तो मतलब यहाँ आते हैं लोग, अपनी मन्नत मांगते हैं और बड़े बड़े मन्नत मांग के पूरी करते हैं। तो यहाँ कोई मंदिर आता है, कोई घंटी चढ़ाता है। तो देखिए ईश्वर, यहाँ पे धर्मशाला भी है, ये धर्मशाला यहाँ पे रहते हैं। देखिए इतना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे, होप आपको बहुत इंजॉय होगा। अगर आप आते हो रानीखेत तो आप जून के महीने में, अगर गर्मी की छुट्टी में आते हो तो आप यहाँ जरूर आइए। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और यहाँ बहुत चहल पहल होती है, और मतलब ये कि उत्तराखंड हमारी देवभूमि के नाम से जानी जाती है, और देवभूमि को आप तभी मान पाओगे जब तक आप इन जैसे स्थलों में नहीं आओगे। ऐसे ये भीमसर महादेव है, बहुत पवित्र स्थल है, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पे श्रद्धालु लोग बहुत आते हैं दूर दूर से। ऐसा नहीं कि दिल्ली से, दिल्ली कलकत्ता, और अब तो ये मान लो कि विदेश से भी जो लोग आ रहे हैं, ये इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि सब यहाँ देखने को आते हैं। अब आकृति आप देख ही रहो कितनी प्यारी आकृति है, और बाकी और मैं आपसे क्या कहूँगा, बाकी आप जब आओगे आपको तभी पता चल पाएगा कि ये मंदिर कैसा है, कितना सुंदर है, कैसी जगह पे है, कितना प्यारा मंदिर। देखो आर पार पूरा जंगल के बीच में मंदिर बनाया गया, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। तो अगर आप आते हो एक बार यहाँ जुड़ा, ये ज़्यादा दूर नहीं है, रानी की रिची से 7 किलोमीटर के अंदर पे, और सैनी गांव है, सैनी गांव के वहीं पे ये स्थित है। तो रानीखेत आप आते हो, रानीखेत से ज़्यादा दूर नहीं, तो एक बार जुड़ा आइए। और फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आएगा, इस तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ, और ब्लॉगिंग का मेरा चैनल है, मैं अलग अलग जगह में जाता रहता हूँ। अब मैं पर्सनली उत्तराखंड में घूम रहा हूँ, उत्तराखंड की मैं प्रसिद्ध, मैंने और नगर में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो गर्जिया मंदिर है, यहाँ पे झूला पुल है, और हनुमान धाम है, उस वो वीडियो मैंने डाली, आप उनको भी देखिए। और उत्तराखंड में आने का, उत्तराखंड एक टूरिज्म प्लेस है, और वहाँ कॉर्बेट एरिया, अगर आप उत्तराखंड आते हो तो कॉर्बेट के साथ साथ इन मंदिरों में भी आइए, बहुत पवित्र मंदिर है। और एक बात मैं कहूँगा, आपकी सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सच्चे मन से आइए, सच्चे दिल से आइए, और बाकी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। और मेरे को बहुत इन्जॉय हुआ, बाकी मेरे को बहुत अच्छा लगा इस जगह पे आके, एटमोसफेयर के साथ साथ सब चीज़, कितनी देखो कितनी शुद्धि है यहाँ पे। तो इस तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ, और अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू, बाय बाय। प्रसाद लेंगे, प्रसाद वितरण अभी यहाँ पे होगा, प्रसाद वितरण होगा यहाँ पे, अभी प्रसाद लिया है, प्रसाद लेके हम बाहर की तरफ एग्जिट कर रहे हैं। तो काफी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, और मंदिर है, पवित्र स्थल है। देखिए पीछे स्कूल के बच्चे भी आए, स्कूल के बच्चे पानी भर रहे हैं, और बाकी स्कूल के बच्चे भी वेट कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी थोड़ी देर में अंदर आएंगे। तो ये स्कूल के बच्चे आए हैं यहाँ पे, कौन से स्कूल से आप? रानीखेत से। देखिए रानीखेत स्कूल से भी बच्चे आए हैं यहाँ पे, तो बहुत पवित्र स्थल है यहाँ पे।